कोरोना संक्रमण के बीच बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्थाओं व प्रशासन के द्वारा निजी अस्पतालों को छूट देने का आरोप लगाते हुए लगातार कांग्रेस कमेटी हल्ला बोल आंदोलन कर रही है। इसी क्रम में आज जिला प्रशासन की बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्थाओं व निजी अस्पतालों की लूट को कांग्रेस कमेटी व युवा कांग्रेस के द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रशासन के अधिकारियों की नकल सहित आम जनता किस प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से कोरोना महामारी में अपनी जान गंवा रही है और जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी मौन धारण किए हुए हैं, इन सभी बातों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जनता के रखा गया। नहीं तो पुराने कितनी लाशें गिरवाई आपने परसों? आपके माध्यम से हम ये बताना भी चाहते हैं कि हमारा क्रमबद्ध आंदोलन 15 दिन के बाद जब समाप्त होगा तो 5 तारीख को हमारा 3 से 4 हज़ार कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट का घेराव होगा। आज हमने अपने प्रेस वार्ता को पालन करते हुए आज हमारा एक दूसरा कार्यक्रम यहाँ पे था। इस नुक्कड़ नाटक के तहत हम जनता को यह दिखाना चाहते थे कि आम जनता को किस तरीके से भाजपा का जनप्रतिनिधि हमारे जबलपुर के कलेक्ट्रेट करमवीर शर्मा ने निजी अस्पतालों को ये खुली आदेश दे के रखी है कि जिस तरीके से जनता को लूट सको लूट लो, लाशों की चिंता मत करो, मामला हम दबाते रहेंगे। भाजपा को उपचुनाव के लिए पैसा पहुंचाना है तो कहीं ना कहीं जो जनता त्राहिमाम कर रही है, निजी अस्पताल आंखें बंद करके बैठ चुका गया है। निजी अस्पताल हमारा ये विरोध दर्ज है कि निजी अस्पताल जो सरकारी दरों पर इलाज चल रहा है वो निजी अस्पताल अपनाएं और जनता का इलाज निःशुल्क करना चालू करें। एक तरफ हमारे प्रदेश के मुखिया यह आदेश करते हैं जिला प्रशासन को कि कोई भी कोरोना के दौरान जो वृद्धि होगी, अगर वृद्धि करनी हो तो 40% से ज़्यादा के दरों में वृद्धि नहीं की जाएगी। दूसरी तरफ हमारे उच्च न्यायालय की तरफ से यह आदेश आता है कि कोरोना महामारी के दौरान किसी भी अस्पताल, निजी अस्पताल, सरकारी अस्पताल, कोई भी इलाज अगर कोरोना महामारी के दौरान की जाती है तो उसमें कोई भी वृद्धि नहीं होगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश सरकार क्या उच्च न्यायालय से बहुत बड़ा हो गया जो उसकी बातों को दरकरार किनारे कर रहा है, उसकी बातों का अलम नहीं कर रहा है।